केजीएमयू के वाइस चांसलर और यहाँ के डायरेक्टर, उपस्थित सभी प्रमुख सचिव, उपस्थित सभी अधिकारीगण, निर्माण निगम से लेकर के सभी कार्यदायी संस्था के उपस्थित इंजीनियरगण, समाजवादी साथी, उपस्थित सभी मानव पत्रकार साथियों, मैं सबसे पहले आज जितने भी लोकार्पण हुए हैं उन तमाम चीज़ों को लेकर के जनता को जब समर्पित करने जा रहे हैं बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। हालांकि आज लोकार्पण के कार्यक्रम बहुत हैं और कई प्रोजेक्ट जो बहुत पहले शुरू किए गए थे अब खत्म होने आए हैं, पूरा होने आए हैं, जिसमें कि सीजी सिटी में कैंसर इंस्टीट्यूट जहां हम लोग खड़े हैं, ये भी ओपीडी शुरू कर रहा है। आने वाले समय में पूरी की पूरी तैयारी के साथ ये कैंसर इंस्टीट्यूट में बन करके तैयार हो जाएगी। साथ ही साथ में आईटी सिटी का भी है, आज शान अवध का शिलान्यास है, ये एक बड़ा बाजार बन रहा है, लोक निर्माण विभाग के बड़े कार्यक्रम हैं आज। इसी तरह जनपद संभल के मुख्यालय भवन का शिलान्यास है, इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास है, बिजनौर को छोड़कर के मेडिकल कॉलेज चंदौली का भी आज शिलान्यास यहाँ पर कर रहे हैं। लगभग हजारों करोड़ की परियोजना आज जनता के लिए समर्पित हो रही है और आने वाले समय में यही तमाम संस्थाएं या तमाम जो चीजें बन करके तैयार हो जाएंगी, सीधा सीधा इससे उत्तर प्रदेश की जनता को लाभ होगा। ये इलाका नया इलाका बन करके आ रहा है, जहां लखनऊ का ये हम कह सकते हैं कि ये नए लखनऊ के रूप में डेवलप होता चला आ रहा है। यहाँ पर स्वास्थ्य से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, रोजगार से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं और अमूल जो बनकर के तैयार हो जाएगा ये आसपास के किसानों को सीधा सीधा लाभ पहुंचाने वाला भी इंतजाम यही हुआ है। हम ये कह सकते हैं 4.5-5 साल में समाजवादी लोगों ने बहुत बड़े बड़े काम भी किए हैं और ये काम दूसरे लोगों के उदाहरण हैं। ये कैंसर इंस्टीट्यूट नेताजी ने कहा था कि बनना चाहिए, पिछली बार ही बनाना चाहते थे, घोषणा पत्र में हमारे शामिल था, लेकिन जमीन का इंतजाम करना, उसके बाद पटरी पर ला करके इसका शिलान्यास कर करके उद्घाटन करना, ये वही संस्था है जिसका नेताजी ने शिलान्यास किया था। आज कम से कम ओपीडी का हम लोग उद्घाटन कर रहे हैं और आने वाले समय में न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि आसपास के तमाम प्रदेशों को इससे मदद पहुंचेगी। हालांकि बीमारियां तो बढ़ी हैं, इलाज भी बढ़ा है, सुविधाएं भी बढ़ी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में बढ़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी गरीब लोगों को, किसानों को और गांव में रहने वाले लोगों को सस्ता इलाज उपलब्ध हो जाए, ये सरकारों के सामने चुनौती रही है। जहां बड़ी बड़ी बीमारियां हैं उनका इलाज सरकार अपने पैसे से कर रही है और ये घोषणा पत्र में था कि जितने भी गरीब हैं हमारे, उनकी अगर किडनी की बीमारी है, लीवर की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है या कैंसर जैसी बीमारी में सरकार की तरफ से पूरा का पूरा इंतजाम होगा, एक भी पैसा गरीब को नहीं देना पड़ेगा, उस दिशा में लगातार समाजवादी लोग काम कर रहे हैं। हालांकि हमसे बेहतर ये जो पढ़ने वाले लोग हैं या इस क्षेत्र से जुड़े लोग हैं, वो डॉक्टर साहिबान, वो ज्यादा बेहतर समझते होंगे। बीमारियों का रूप बदला है और बड़े बड़े पैमाने पर बीमारियां बढ़ी भी हैं, लेकिन इधर कैंसर जैसी बीमारी बहुत बड़ी है, उसका कारण अलग अलग तरीके से अलग अलग कहा जाता है, लेकिन कैंसर जैसी बीमारी अगर हो जाए तो शायद इलाज संभव नहीं है। कई बार लोगों को यहां से लेकर के बंबई तक जाना पड़ता था और इलाज महंगा हो के कारण इलाज करा नहीं पाते। कम से कम समाजवादी सरकार ने एक स्थान बना दिया है जो न केवल उत्तर प्रदेश और आसपास के प्रदेश और जो लोग भी रहते हैं उनको ठीक ठाक और सस्ता इलाज का इंतजाम इसी कैंसर इंस्टीट्यूट में होगा। आज हम ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा मेडिकल सीट बढ़ाने का काम, मेडिकल संस्थाओं को जितनी भी चीजों की जरूरत थी उस दिशा में काम किया है। बहुत सारे ऐसे फैसले जो पुरानी सरकार में रुके पड़े थे उनको भी पूरा करने का काम समाजवादी लोगों ने किया है। मैं समझता हूं ये कैंसर इंस्टीट्यूट न केवल उत्तर प्रदेश के लोगों को
बल्कि आसपास के प्रदेशों को भी इसी के माध्यम से लाभ पहुंचेगा, उनका स्वास्थ्य बेहतर होगा। वहीं इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय का भी शिलान्यास हो रहा है, हालांकि वो शुरुआत तो एक जगह हम लोगों ने कर दी है सरकारी बिल्डिंग में, लेकिन एक अच्छी बिल्डिंग बने हम अपने अधिकारियों से भी कहेंगे, और जो इस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बनाने के पीछे आदरणीय कुंवर रेवती रमन सिंह जी और उनके सहयोगी साथी जो लगातार इस प्रयास में एक यूनिवर्सिटी बने, हमारा यही निवेदन होगा कि अगर यूनिवर्सिटी बने तो कम से कम जो इलाहाबाद की यूनिवर्सिटी पहले बनी उससे बेहतर बने, तब तो लगेगा कि हाँ समाजवादियों ने बनाई है, वरना अगर यूनिवर्सिटी उससे खराब बनाओगे तो आपकी यूनिवर्सिटी को कोई नहीं पूछेगा। ये चकदरिया में या जितनी भी बिल्डिंग है समाजवादी लोगों ने बनाई है, कम से कम कोशिश की है कि सरकार भी अच्छी बिल्डिंगें बना सकती है, और चाहे सहयोग लेना पड़ा हो, ये जितनी भी बिल्डिंग बन करके आ रही है, चाहे आपका हाई कोर्ट बना हो उसकी तारीफ चीफ जस्टिस से लेकर के तमाम जितने भी उस समय अतिथि आए थे उन्होंने तारीफ की थी कि हाँ उत्तर प्रदेश में अगर कोई हाई कोर्ट की बिल्डिंग बनी है तो ये बिल्डिंग देखना चाहिए कि कितनी अच्छी बिल्डिंग बनी। इसके साथ साथ सीएम कार्यालय भी हमने बहुत अच्छा बनवा दिया, और वो कार्यालय इसलिए अच्छा बनवा दिया, जो साथी देखते होंगे आसपास से देखा होगा वो जानते होंगे कि विधानसभा के बराबर खूबसूरत बिल्डिंग्स मुख्यमंत्री के कार्यालय की भी बन गई, क्योंकि वो सबसे बिजी रोड है और इसलिए सुंदर बनाई है कि जब लोग बाहर से निकलें और जब बिल्डिंग की तरफ देखें तो उनका मन ये जरूर करे कि अगर कोई अच्छा व्यक्ति है तो बैठा रहे, और खराब अगर कुर्सी में बैठ जाए तो उसे निकालने की जल्दी तैयारी हो जाए। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र से लेकर के हर क्षेत्र में बेहतर काम किया है। आज अमूल का भी यहाँ शिलान्यास उद्घाटन होने जा रहा है, उद्घाटन मैं समझता हूँ बहुत जल्दी इससे किसानों को लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। एक समय था जब अमूल के लोग यहाँ पर आए थे खोलने के लिए ये प्लांट, तो हम लोगों ने उन्हें सहयोग किया था, चाहे वो कानपुर देहात में जो प्लांट बन रहा है वो लग करके तैयार हो जाएगा, एक आपका यहाँ पर आने वाले समय में एक वाराणसी में, तो दो तो अमूल के प्लांट बड़े बड़े बन करके तैयार हो गए हैं। मुझे खुशी है कि आज इसका भी उद्घाटन हो रहा है, हालांकि उसमें भी थोड़ी बहुत राजनीति थी, कोई और सोचता होगा कि वो कर ले उद्घाटन, लेकिन समाजवादी लोगों ने जब जमीन से लेकर के सब इंतजाम किया है तो ये जिम्मेदारी समाजवादियों की बनती है कि समाजवादी लोग ही उसका उद्घाटन करें। यहाँ स्टेडियम बन रहा है एक शानदार, एक बाजार भी बन रहा है और बाजार भी बड़ा बना रहे हैं। हमने एडली के लोगों से कहा कि कंजूसी मत करना, जितना अच्छा जितना सुंदर बना सकते हो बनाओ, और जितनी बड़े इलाके में बनाना चाहो तो बना लो, क्योंकि आपके पास जगह है। इसलिए एक बहुत सुंदर अच्छा बाजार भी बना जा रहा है। मैं समझता हूँ रोजगार का इंतजाम, स्वास्थ्य को बेहतर करने की स्थान और स्पोर्ट्स से लेकर के सब इंतजाम ये बने हैं इस इलाके में। मैं इस मौके पर तमाम जितने भी कार्यदायी संस्था हैं, जितने भी लोग इसमें लगे हुए हैं, उनको बधाई देता हूँ, कम से कम उन्होंने बहुत तेजी से इन चीज़ों को बनाने का काम किया है। ये जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है ये बहुत कम समय में बन करके तैयार हुई है, और ऐसा नहीं कि हमने केवल लखनऊ में काम किया हो, ये भदोही के लोग जानते होंगे, बाबतपुर से भदोही जोड़ने वाली फोर लेन समाजवादियों ने बनाई है, वहीं कारपेट बाजार भी उनका समाजवादियों ने बनवाया है, सोनबस से जोड़ने वाली सड़क वाराणसी जो जाती वो भी समाजवादियों ने बनाई है। तो कम से कम समाजवादी लोगों ने संतुलन बनाने का काम किया है कि पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर काम किया है, और सड़कों से लेकर के बिजली कैसे अच्छी हो उसका भी इंतजाम किया है। यहाँ पर बैठे हमारे बदायूं के मंत्री जी वो भी जानते होंगे, बरेली से बदायूं सड़क फोर लेन समाजवादी ने बनाई, बरेली से हल्द्वानी जाने वाली वो भी सड़क समाजवादी ने बनाई, मेडिकल कॉलेज वहां बन रहा है, आने वाले समय में पैरामेडिकल भी कॉलेज बन जाएगा, और जितना सुधार बिजली के क्षेत्र में किया इतना किसी सरकार ने नहीं किया होगा जितना समाजवादी लोगों ने बिजली के क्षेत्र में सुधार करने का काम किया है। आज हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर शहरों में 24 घंटे बिजली का इंतजाम समाजवादियों ने करके दिखाया है, और गांव में 18 घंटे, आने वाले समय में शहर में भी 24 घंटे बिजली होगी और गांव में भी 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इसलिए इस मौके पर बधाई शुभकामनाएं, हालांकि बहुत सारे विरोधी पार्टी के लोग हैं, समय समय पर सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, सीमा पर सर्जिकल स्ट्राइक की, लेकिन दुर्भाग्य है कि सबसे ज्यादा जवान भी शहीद आपके हुए हैं,
दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक की, सब लोग लाइन में लग गए। लंबी लंबी लाइनें अभी भी खत्म नहीं हुई हैं। ऐसी ऐसी लाइनें लगी कि एटीएम में पैसा भी खत्म हो गया, बैंकों को पैसा नहीं देने का। पहले हिसाब किताब कुछ लगाया जा रहा था कि इतना काला धन है, इतना पैसा बैंक को आएगा। अब सुनने में आ रहा है कि जितना बैंक हिसाब किताब बता रही थी उससे ज्यादा पैसा जमा हो गया। अब वो रोक लगा रहे हैं कि लोग जमा ना करें पैसा। और फिर मैंने कई मौकों पर कहा, मैं आज भी कहता हूं, पैसा कोई काला सफेद नहीं होता। हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। अगर हम और आपका लेन देन ठीक ठाक कर दें तो शायद न काला धन होगा न भ्रष्टाचार होगा। वही एक दल और है, बीबीसी वाला दल। हो सकता है शिलान्यास उद्घाटन के बाद वो कहें कि समाजवादी लोग बहुत जल्दी में हैं, और जल्दी में हम लोग इसलिए, पता नहीं कब तारीख आ जाए। और अगर तारीख आ जाएगी तो कौन उद्घाटन करने देगा हमें, इसलिए कम से कम पटिया पहले लगा दें, नाम समाजवादी उन लोगों का पहले लग दें। और फिर अभी तो लगातार काम होता रहेगा, हम ही लोग हैं जो मॉनिटर करेंगे। अभी भी अभी तो हम ही लोगों की निगरानी में काम होगा। और फिर जब चुनाव हो जाएगा तो फिर समाजवादी लोग आ जाएंगे सत्ता में, और फिर इस काम को और तेजी से आगे बढ़ाएंगे। इसलिए साथियों, मौका आपको इससे बेहतर कभी नहीं मिलेगा। इससे बेहतर समाजवादी लोगों को मौका कभी नहीं मिलेगा जब आपकी बहुमत की सरकार फिर दोबारा बनेगी। और मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं, चाहे वो किसान हो, गरीब हो, मजदूर हो, अधिकारी हो, व्यापारी हो, और चाहे हमारे पुलिस के जवान हो, इस समाजवादियों से ज्यादा किसी ने इन लोगों की मदद नहीं की है। चाहे रोजगार देने की बात हो, पिछले 4.5-5 साल में बड़ी संख्या में नौजवानों को रोजगार देने का काम किया। सरकारी विभागों में सरकारी नौकरी 5 लाख और बड़े लाखों संख्या में रोजगार चाहे हमें किसी रूप में देना पड़ा हो देने का काम किया है। आज भी उत्तर प्रदेश के आंकड़े दूसरे प्रदेशों से बेहतर हैं। आने वाले समय में यही रफ्तार से अगर विकास हुआ तो तमाम जो प्रदेश हैं वो पीछे छूट जाएंगे, सबसे आगे उत्तर प्रदेश दिखाई देगा। इसलिए जहां काम किया है वहीं हम आपसे अपील भी करेंगे कि समाजवादियों को दोबारा बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में भेजने का काम करें, जिससे कि उत्तर प्रदेश को और तेजी से आगे बढ़ा सकें। हमारे बहुत सारे साथियां दिखाई दे रहे हैं, पर्चा दिखा रहे हैं, एक पर्चा इनका भेज देना, लगता है डॉक्टर लोग हैं ये। एक लोग कोई पर्चा ले लो इनका, बस लेकिन जुमले से बचना और सर्जिकल स्ट्राइक से भी। इसलिए बहुत इस मौके पर एक लोग कागज दे दो, समझदार बनो, पढ़े लिखे हो आप तो। इसलिए मैं तमाम अपने अधिकारी जो बैठे हुए हैं बाई तरफ, पीछे जितने हमारे नेता और साथी भी बैठे हैं, आज बहुत कार्यक्रम है, यहाँ के बाद पीजीआई और फिर उसके बाद विधानसभा का कार्यक्रम। और मैं तमाम समाजवादी साथियों से कहूँगा, पीछा मत करो, सीधे JPNIC में पहुँचिए, वहीं पर कार्यक्रम होगा स्विमिंग वाला, वहीं देखिएगा, और मन करे तो बाद में कूद भी जाना उसमें पानी में। इसलिए इस मौके पर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। ये तमाम काम इसीलिए हो रहे हैं जिससे उत्तर प्रदेश आगे बढ़े, इन्हीं से रोजगार है, इन्हीं से कारोबार बढ़ेगा। मैं समझता हूँ अगर कोई तुलना करता है, अगर कोई इसी के बाद दूसरा कोई मॉडल है, तो कम से कम वो मॉडल सामने लाएं कि जिससे कि हम लोग भी समझ पाएं कि आखिरकार उनका मॉडल विकास का क्या है। इसलिए इस मौके पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, तमाम अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज सौगात पर सौगात दे रहे हैं।